हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है हेड हंटर और ये एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक चोर को देखते हैं जो कि चोरी करने के लिए किसी घर के अंदर एंटर होता है। ये चोर उस घर में एक बेशकीमती पेंटिंग की चोरी करता है। ये चोर उस बेशकीमती पेंटिंग के कैनवास को निकालकर उसकी जगह उसी पेंटिंग की कॉपी को लगा देता है, जिससे किसी को कभी पता नहीं चलता कि उनके वहां से कोई पेंटिंग चोरी हुई है। मूवी के अगले सीन में हम रोजर ब्राउन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक आलीशान बंगले में होता है। इसी के साथ रोजर हमें बताता है कि उसका नाम रोजर ब्राउन है और उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, लेकिन उसके घर की कीमत $30 मिलियन है। लेकिन ये घर उसे पसंद नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ डायना को ये घर बहुत ही पसंद है और जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गैलरी भी खुलवाने वाला है। रोजर ने उसकी वाइफ डायना से कहा है कि उसे ये सारा पैसा विरासत में मिला है और ये रोजर ने डायना से झूठ कहा है। आगे रोजर एक लॉटी नाम की लड़की के साथ फिजिकल हो रहा होता है और उसके घर पर उसके साथ समय बिताता है। तब लॉटी रोजर से कहती है, आज रात डिनर के लिए इन्विटेशन है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रोजर कहता है, क्या तुमने हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ बताया है? लॉटी कहती है, हाँ एक है जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। ये सुनकर रोजर गुस्सा होता है और वो कहता है, हमारा रिश्ता आज से और अभी से खत्म हो गया है। और ऐसा कहकर रोजर वहां से चला जाता है। आगे रोजर लैंडर नाम के आदमी से मीटिंग कर रहा होता है। रोजर कहता है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे अपने बारे में बताओ। लैंडर कहता है, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मैं ओस्लो में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों अभी स्कूल में हैं और मेरे घर में कोई भी सर्वेंट और डॉग नहीं है। लैंडर की बातें सुनकर रोजर लैंडर से कहता है, आपकी एक लीडर के रूप में रेपुटेशन क्या है? यह सुनकर लैंडर कहता है, मेरी रेपुटेशन, इसका क्या मतलब हुआ? रोजर पीछे लगी पेंटिंग की ओर इशारा करके कहता है, यह पेंटिंग जूलियन के द्वारा बनाई गई थी और इसकी कीमत मिलियन में है, क्या आपके पास इतनी कीमत की कोई पेंटिंग है? यह सुनकर लैंडर कहता है, हाँ है, द ब्रॉश नाम की पेंटिंग है। रोजर कहता है, मेरे पीछे लगी पेंटिंग भी उसी तरह की एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में बस कुछ सर्कल्स है और कुछ लाइंस है, बस एक चीज इस पेंटिंग को खास बनाती है, इस पेंटिंग की कीमत। और इस पेंटिंग की कीमत इतनी ज्यादा है इसके कलाकार की रेपुटेशन के कारण। लैंडर कहता है, और यही तुम्हारा पॉइंट है एक लीडर को लेकर? रोजर कहता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं अभी के लिए तुम्हें पाथफाइंडर कंपनी के अध्यक्ष का पद नहीं दे सकता। कल यहाँ पर पाथफाइंडर के अध्यक्ष होंगे, तब मैं उनको आपसे मिलाऊंगा। आप उनकी कही बातों को विनम्र होकर सुनेंगे और तब आप समझ पाओगे कि आपको ये पद क्यों नहीं दिया जा रहा है, और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी उनके सामने अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने की। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप 2 साल बाद अध्यक्ष पद के लायक बन जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर रोजर लैंडर का इंटरव्यू ले रहा था पाथफाइंडर के अध्यक्ष पद के लिए, और रोजर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक हेड हंटर था। तो दोस्तों, हेड हंटर वो लोग होते हैं जो कंपनीज में पदों के लिए सही आदमी का चुनाव करते हैं और उन्हें सही जॉब दिलाते हैं। आगे रोजर उस ऑफिस से बाहर जाता है तो उसको उसके अकाउंटेंट का फोन आता है और रोजर का अकाउंटेंट उसे बताता है, आपके लिए $357,000 का चालान मिला है, आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो इस तरह से आप किसी भी समय दिवालिया हो जाएंगे। तभी रोजर ने फोन बूथ से किसी को मिस कॉल दिया था और उसका फोन बूथ पर कॉल आता है। रोजर फोन उठाता है और ओवे काजी केरेडो नाम के आदमी को जानकारी देता है। रोजर कहता है, हमारे पास एक उम्मीदवार है जेरेमियस लैंडर और ये स्कोयन में रहता है। ओवे कंप्यूटर डेटा में लैंडर का नाम सर्च करता है और कहता है, हाँ मिल गया, बताओ कब करना है? रोजर कहता है, कल 12 बजे लैंडर एक मीटिंग में होगा और तब उसके घर पर कोई नहीं होगा, मैं 20 मिनट बाद तुम्हें मिलूंगा। ओवे लैंडर के घर की एक डुप्लीकेट चाबी एक पेपर में रख के एक रेस्टोरेंट में रख देता है, जिसे रोजर वहां पर जाकर उठा लेता है। आगे रोजर ब्रांच नाम की पेंटिंग की डुप्लीकेट कॉपी निकालता है। अगले दिन रोजर लैंडर के घर पर जाता है। ठीक उसी समय ओवे कंप्यूटर के जरिए लैंडर के घर का सिक्योरिटी लॉक खोल देता है, क्योंकि ओवे उसी कंपनी में काम करता था जो घरों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी और वो घरों के लॉक को कंप्यूटर से खोल या बंद कर सकते थे। रोजर लैंडर के घर में जाता है और उसे लैंडर के घर में ब्रॉन्ज नाम की वही पेंटिंग दिखाई देती है। रोजर ओरिजिनल पेंटिंग का कैनवास निकालकर वहां पर डुप्लीकेट कॉपी लगा देता है और रोजर वहां से ओरिजिनल कॉपी लेकर निकल जाता है। उस पेंटिंग को अपनी कार में रखकर रोजर उसे अपने घर के गैराज में खड़ी कर देता है, जहां ओवे रात में आकर रोजर की गाड़ी से वो पेंटिंग निकाल लेता है और फिर उस पेंटिंग को बेचकर ओवे को 20% मिलता है और बाकी का हिस्सा रोजर के खाते में जाता है। आगे रोजर अपनी पत्नी डायना के आर्ट गैलरी के समारोह में जाता है। वहां डायना रोजर को क्लास ग्रीव नाम के आदमी से मिलवाती है।
क्लास और रोजर दोनों आपस में बात करते हैं और क्लास रोजर को बताता है कि अभी वो इस शहर में उसके ग्रैंड मा के अपार्टमेंट में रहता है। इससे पहले वो एक डच टेक्नोलॉजी कंपनी में सीईओ के पद पर था जो कि जीपीएस सेल्स का काम करती थी। और रोजर क्लास से कहता है क्या वो कंपनी हॉट थी जिसे अमेरिकन कंपनी द्वारा खरीदा जा चुका है। क्लास कहता है हाँ बिल्कुल वही कंपनी थी। रोजर क्लास की बातों से इम्प्रेस होता है और रोजर क्लास से कहता है क्या आप पाथफाइंडर कंपनी के बारे में जानते हो। वो कंपनी अभी एक नया मैनेजर अपॉइंट करना चाहती है जो फॉरेन कंपनी के खिलाफ कंपनी को खड़ा कर सके। रोजर क्लास को लंच पर बुलाता है इस बारे में बात करने के लिए और वो रोजर से पेन मांगता है ताकि वो उसे रेस्टोरेंट का नाम लिखकर दे सके। रोजर अपना पेन देता है जिस पर हॉट लिखा हुआ था और रोजर एक पेपर पर क्लास को रेस्टोरेंट का नाम लिखकर देता है। आगे रोजर की वाइफ रोजर को ब्रेडे स्प्रे नाम के आदमी से मिलाती है। रोजर की वाइफ कहती है अभी ये महंगी कलाकृतियों की चोरी की जांच करते हैं। ब्रेडे कहता है कलाकृतियों के चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे और हमने अपने सारे संसाधन चोरों को पकड़ने में लगा दिए है। क्या आप भी कलाकृतियों के बिजनेस में हो। ये सुनकर रोजर कहता है नहीं मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, मैं एक हेड हंटर हूँ, मैं कंपनियों के लिए भर्ती का काम करता हूँ। आगे रोजर अपने घर पर होता है और वो ब्रेडे की बातों को सुनकर थोड़ा परेशान था। रोजर की वाइफ डायना रोजर को बुलाती है और उसे एक पेंटिंग का चित्र दिखाकर कहती है इस पेंटिंग का नाम है कैलेडोनियन बोअर हंट। 1941 में जर्मन अधिकारियों ने ये पेंटिंग चोरी कर ली थी, तब से ये पेंटिंग गायब थी। क्या तुम जानते हो अभी ये पेंटिंग कहाँ पर होगी। क्लास ग्रीव के अपार्टमेंट में ऑस्कर स्ट्रीट। यह सुनकर रोजर डायना की बातों को ध्यान से सुनने लगता है और डायना कहती है क्लास की दादी एक जर्मन युद्ध अधिकारी के साथ रिलेशन में थी इसलिए वो पार्टी में आया था ताकि मैं उसे उस पेंटिंग की कीमत बता सकूं या ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बता सकूं जो उस पेंटिंग की कीमत जानता हो। रोजर डायना से उस पेंटिंग की कीमत पूछता है। डायना कहती है शायद इसकी कीमत $10 मिलियन हो सकती है। रात में रोजर पेट्रोल पंप जाकर वापस से फोन बूथ से कॉल करता है और रोजर ओवे से कहता है हमें हमारा नया शिकार मिल चुका है, कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर ओवे कहता है ठीक है कल दोपहर 1 बजे। अगले दिन सुबह रोजर और डायना के बीच कहासुनी हो जाती है क्योंकि डायना उनके बच्चे के बारे में रोजर से बात करना चाहती थी, पर रोजर मीटिंग का हवाला देकर वहां से जल्दी जल्दी में निकलने लगता है। रोजर अपने साथी ओवे की बताई एक खुफिया जगह पर जाकर उससे मिलता है जहां पर ओवे वीकेंड बनाने के लिए ठहरा था। रोजर ओवे को अपना प्लान बताने लगता है तभी वहां पर नताशा नाम की लेडी आ जाती है। तब ओवे उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेडी के जाने के बाद रोजर ओवे से कहता है मैं मंडे को क्लास ग्रीव नाम के आदमी के साथ लंच करने वाला हूँ, तब उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली होगा और उस समय मैं उसके घर से पेंटिंग ला सकता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वीडन जाना पड़ेगा। ये सुनकर ओवे कहता है मैं अभी स्वीडन नहीं जा सकता क्योंकि नताशा अभी यहाँ पर है और हम लोग उसकी फिल्म बना रहे हैं। रोजर कहता है तुम किस तरह की फिल्म बना रहे हो। ओवे कहता है मैं नताशा को बिना बताए ये फिल्म बना रहा हूँ, जब मैं अलार्म चालू करता हूँ तो घर में लगे कैमरे चालू हो जाते हैं, तब मेरे दो दोस्त कैमरों के जरिए नताशा को देख पाते है और वो एंजॉय करते है। रोजर कहता है क्या वो लोग तुम्हें भी देखते है। ओवे कहता है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, कैमरों में बैठ दिखाई नहीं देता है, वो लोग सिर्फ नताशा को ही देख पाते हैं और उनके सामने नताशा बिना कपड़ों के होती है और वो एंजॉय करते हैं। ये सुनकर रोजर कहता है उस पेंटिंग को कुछ ही दिनों बाद दूसरे को बेच दिया जाएगा, क्या तुम जानते हो पेंटिंग कितनी महंगी है, अरबों में उसकी कीमत है और इतने पैसों में शायद तुम जिंदगी भर के लिए नताशा को खरीद सकते हो। रोजर की ये बात सुनकर ओवे नताशा को देखकर सोचने लगता है। आगे रोजर क्लास ग्रीव से लंच पर मिलता है और वो दोनों साथ मिलकर बैडमिंटन भी खेलते हैं। तभी गेम के बाद क्लास अपनी टी शर्ट उतारता है और रोजर क्लास की पीठ पर कुछ निशान देखकर कहता है जीपीएस बिजनेस काफी मुश्किल है, तुम्हारी पीठ देखकर पता चल रहा है। ग्रीव कहता है नहीं ये निशान मुझे आर्मी में मिले, जब मैं 18 साल का था तब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए एक विशेष विभाग में शामिल कर दिया गया था, उस विभाग में मुझे भगोड़े और लापता लोगों का पता लगाना था और ये तकनीक हमने हॉट कंपनी से प्राप्त की। हॉट कंपनी सूक्ष्म ट्रांसमीटर बनाया करती थी और मेरे पास सूक्ष्म ट्रांसमीटर के सुधार के लिए कुछ विचार थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी। रोजर कहता है तो तुम्हें ये निशान कहाँ से मिले। क्लास कहता है ये निशान मुझे बोलिविया से मिले, मैं लकी था जो वहाँ से भाग पाया। आगे क्लास रोजर से कहता है आप पाथफाइंडर कंपनी के साथ मेरी मीटिंग कब करवा रहे हो, मैं परसों तक एम्स्टरडम से वापस आ जाऊंगा। रोजर कहता है तो ठीक है हम परसों मीटिंग रखते है। आगे रोजर अपने घर पर आता है तो वो देखता है डायना ने उसके लिए नोट छोड़ा था कि वो लेट आएगी। डायना का नोट पढ़कर रोजर इंटरनेट पर क्लास ग्रीव के बारे में सर्च करने लगता है। तब रोजर को पता चलता है कि क्लास सचमुच में हॉट कंपनी में काम किया करता था
और जब वो आर्मी में था तब वो लोगों को ट्रैक करने का काम किया करता था और इस तरह से क्लास आतंकवादियों को ट्रैक करके उन्हें मार दिया करता था। क्लास ग्रीव के बारे में ये सारी जानकारी पढ़कर रोजर थोड़ा डर जाता है। अगले दिन रोजर क्लास ग्रीव के अपार्टमेंट में जाता है उस पेंटिंग को चुराने। तब वो कंप्यूटर के द्वारा क्लास ग्रीव के अपार्टमेंट का लॉक खोल देता है। आगे रोजर क्लास के अपार्टमेंट में जाता है। रोजर उस अपार्टमेंट में पेंटिंग को ढूंढ कर उसका कैनवास निकाल लेता है और उसकी जगह डुप्लीकेट कॉपी लगा देता है। रोजर उस अपार्टमेंट से जाने लगता है तभी वो बाहर खेलते हुए बच्चों को देखता है और बच्चों को खेलता हुआ देखकर रोजर को डायना की याद आती है। रोजर डायना को कॉल करता है तो डायना के मोबाइल की बेल उसी अपार्टमेंट में बजने लगती है। रोजर मोबाइल को ढूंढता है तो वो मोबाइल क्लास के बेडरूम में बज रहा था। रोजर उस मोबाइल को देखता है तो ये मोबाइल डायना का ही था और रोजर समझ जाता है कि डायना क्लास के बेडरूम में थी और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। रात में रोजर अपने घर पर जाता है और वो डायना से उसके फोन के बारे में पूछता है। तब डायना रोजर को बताती है कि शायद उसका मोबाइल गैलरी में छूट गया होगा। आगे पाथफाइंडर में क्लास की मीटिंग कंपनी के एम्प्लॉय से होती है। रोजर क्लास की बातों को सुनते सुनते विजुअलाइज करने लगता है कि उसकी वाइफ डायना क्लास के साथ फिजिकल हो रही थी। उस मीटिंग में क्लास पाथफाइंडर के एम्प्लॉयज को बताता है, हमने पिछली कंपनी में जेली के समान पदार्थ बनाया था और इस जेली के 1 मिलीमीटर हिस्से में सैकड़ों ट्रांसमीटर होते हैं और ये ट्रांसमीटर दिखाई नहीं देते, इनको हटाना नामुमकिन होता है। बस ये ट्रांसमीटर गंदगी और कीचड़ में काम नहीं कर पाते और ये असंवेदनशील हो जाते हैं और हम इनकी लोकेशन पता नहीं लगा पाते। मीटिंग के बाद क्लास रोजर से कहता है, तुम मेरी सिफारिश का लेटर कब भेजने वाले हो? रोजर कहता है, पहले हम डिसीजन लेंगे, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है और तुम्हारे अलावा इस पद के लिए अभी और भी उम्मीदवार है। एक तरह से यहाँ पर रोजर क्लास को मैसेज देता है कि वो पाथफाइंडर के अध्यक्ष के पद को उसे नहीं लेने देगा और उसे ये जॉब नहीं मिलेगी। आगे रोजर वहां से जाने लगता है तभी उसे पार्किंग एरिया में लॉटी मिलती है। लॉटी रोजर से कहती है कि 2 सेकंड के लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोजर लॉटी को कार में बिठा लेता है और उससे कहता है, सॉरी ये मेरी गलती है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। तब लॉटी रोजर के बालों में हाथ फेरने लगती है और वो उसे किस करने लगती है। तब रोजर लॉटी को बाहर निकालता है और कहता है, दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना। आगे रोजर डायना के साथ होता है और वो डायना से कहता है, आज हमारी पाथफाइंडर में क्लास ग्रीव के साथ मीटिंग थी। डायना कहती है, तो तुम उसे वो जॉब दिलवा रहे हो? रोजर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, और कल मैं ऑफिस जाऊंगा और सारी कंपनियों को कॉल करूंगा कि उसे नॉर्वे में कोई भी जॉब ना मिल पाए। डायना कहती है, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? रोजर कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिला? क्या वो तुम्हारी गैलरी में था? रोजर की ये सारी बातें सुनकर डायना को पता चल जाता है कि रोजर को क्लास और डायना के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। उसी रात ओवे रोजर के घर पर आता है चुराई हुई पेंटिंग लेने, जो कि रोजर के गैराज में उसकी कार में रखी हुई थी। अगले दिन सुबह रोजर अपनी गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी कार के अंदर ओवे था। रोजर ओवे को उठाने की कोशिश करता है पर ओवे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखकर रोजर को लगता है कि ओवे मर चुका है और वो घबराकर ओवे की बॉडी को डिक्की में रखता है। रोजर ओवे की बॉडी को डिक्की में बंद करके वापस अपनी कार में जाने लगता है और रोजर उस पेंटिंग को वापस से गाड़ी में छिपा देता है। ओवे रात में पेंटिंग चुराने आया था पर वो गाड़ी में ही मारा गया। रोजर अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है तभी उसे पीछे पिन चुभती है। रोजर कार से निकलता है तो वो देखता है सीट में एक तरह का इंजेक्शन छिपाया गया था कि जैसे ही कोई गाड़ी की सीट पर बैठे और उसे वो इंजेक्शन लग जाए। तभी वहां पर डायना आती है और वो रोजर से कहती है, मैंने देखा कि तुम गैराज के अंदर गए हो पर तुम बहुत समय तक बाहर नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आई। ये कहकर डायना रोजर के पास में आती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है। आगे रोजर अपनी गाड़ी को लेकर झील के किनारे जाता है और वो वहां पर ओवे के कपड़ों में पत्थर रखकर उसे पानी में फेंक देता है। तब रोजर देखता है ओवे पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं आ पा रहा है। ये देखकर रोजर पानी में कूदकर ओवे को पानी से बाहर निकालता है। रोजर ओवे से बात करने की कोशिश करता है पर ओवे कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर रोजर पर्स में से ओवे का एड्रेस पता लगाता है और वो ओवे को उसके घर पर ले जाता है। रोजर ओवे को उसके घर पर ले जाता है और उसके दरवाजे का पासवर्ड पूछता है। ओवे घर का पासवर्ड नताशा बताता है। दरवाजा खुलते ही ओवे अपने घर के गेट पर जाकर लेट जाता है। ओवे कहता है, मुझे क्या हुआ है? रोजर कहता है, किसी ने मेरे कार में एक इंजेक्शन रखा था पर वो इंजेक्शन कार से पेंटिंग निकालते समय तुम्हारे घुटनों में लगा होगा और इसलिए जहर पूरी तरह से तुम्हारे अंदर नहीं गया। ओवे कहता है, क्या ये सब तुमने किया? रोजर कहता है, ये मैंने नहीं किया, डायना और क्लास का अफेयर चल रहा है
और उनमें से किसी ने मुझे मारने के लिए किया होगा। ओवे कहता है पुलिस को कॉल करो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। रोजर कहता है हम पुलिस को इसके बारे में नहीं बता सकते, मैं दूध लेकर आता हूँ, दूध तुम्हारे शरीर के जहर को बेअसर कर सकता है। रोजर ओवे के फ्रिज से दूध निकालने लगता है, तभी उसे फ्रिज में ओवे की गन मिलती है और वो उस गन को उठा लेता है। रोजर दूध लेकर ओवे के करीब जाता है, तब ओवे ने उस पर गन तान रखी थी और ओवे रोजर को एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है। रोजर ओवे को मना करने लगता है, तब ओवे हवा में फायरिंग करने लगता है और रोजर भी ओवे पर गोली चला देता है, जिसके कारण ओवे मारा जाता है। ओवे को मरा हुआ देख रोजर घबरा जाता है और रोजर ओवे की गन लेकर वहां से निकलने लगता है। तब क्लास भी एक डिवाइस से रोजर की लोकेशन पता लगाकर ओवे के घर के बाहर इंतजार करने लगता है और वो अपनी कार से एक बड़ा चाकू निकालता है। रोजर ओवे के घर से बाहर निकलता है, तभी उसके सामने क्लास होता है और क्लास रोजर से कहता है रोजर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्लास को देखकर रोजर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तब क्लास रोजर की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, पर रोजर अपनी गाड़ी वहां से लेकर भागने में सफल हो जाता है। आगे रोजर अपनी कार में जा रहा होता है, तभी उसे क्लास की बात याद आती है कि क्लास माइक्रो ट्रांसमीटर के जरिए लोगों की ट्रैकिंग करता था। ये याद करकर रोजर अपना मोबाइल बाहर फेंक देता है, तभी उसे ओवे का पर्स और उसकी कार की चाबी अपनी गाड़ी में दिखाई देती है। रोजर को लगता है कि उसके किसी चीज में माइक्रो ट्रांसमीटर लगाए गए है, जिसे ट्रैक करके क्लास उस तक पहुंचा था। रोजर अपनी गाड़ी लेकर अपने ही घर के पास जाता है, जहां पर उसे ओवे की गाड़ी दिखाई देती है। जब ओवे पेंटिंग लेने आया था, तब उसने ये गाड़ी यहां पर खड़ी की थी। रोजर ओवे की गाड़ी में जाता है तो उसमें ओवे के कपड़े भी पड़े हुए थे। ये देखकर रोजर ओवे की गाड़ी लेकर निकल जाता है और एक झील के किनारे जाकर अपने सारे सामान और यहाँ तक कि एंगेजमेंट रिंग तक भी पानी में फेंक देता है, ताकि क्लास उसे किसी भी तरह से ट्रैक ना कर पाए। रोजर कार में रखे ओवे के कपड़े पहन लेता है और रोजर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ओवे नताशा के साथ वीकेंड मनाया करता था। और रोजर वहां रहने वाले किसान से कहता है मुझे केबिन चाहिए। वो किसान कहता है मुझे लगा ओवे आया है, ये तो उसकी गाड़ी है ना। रोजर कहता है हाँ। वो किसान कहता है देखने से तुम कोई बिजनेसमैन लग रहे हो, मुझे $500 चाहिए 24 घंटे का। यह सुनकर रोजर उस किसान को पैसा देता है। रोजर उस किसान के शेड में अपनी गाड़ी ले आकर खड़ी कर देता है। तब वहां पर रोजर को ट्रैक करते हुए क्लास भी पहुंच जाता है। क्लास को देखकर वो किसान पूछता है तुम कहां जा रहे हो। यह सुनकर क्लास कहता है मैं रोजर से मिलने जा रहा हूं। तब किसान कहता है मुझे लगता है उसने तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया है, तो तुम उस केबिन में नहीं जा सकते क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ रोजर उस केबिन में जाता है उस पेंटिंग को लेकर जो उसने क्लास के वहां से चुराई थी। केबिन के अंदर जाकर रोजर टेबल पर गन रखता है जिससे उसने ओवे को शूट किया था, और रोजर केबिन में उस पेंटिंग को छुपाने की जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे केबिन से दूर बनी टॉयलेट नजर आती है और रोजर टॉयलेट में पेंटिंग को छुपाने ले जाता है और टॉयलेट की छत पर वो उस पेंटिंग को छुपा देता है। तभी रोजर टॉयलेट के बाहर देखता है कि क्लास केबिन के बाहर खड़ा है एक बड़ा चाकू लेकर। क्लास अपने कुत्ते के साथ रोजर को मारने के लिए केबिन के अंदर जाता है और ये देखकर रोजर डर जाता है, पर क्लास को केबिन के अंदर कहीं भी रोजर दिखाई नहीं देता और क्लास टेबल पर रखी रोजर की गन को उठा लेता है। क्लास केबिन से बाहर निकलता है, तब उसकी भी नजर टॉयलेट पर पड़ती है और क्लास का कुत्ता भी टॉयलेट को देखकर भौंकने लगता है। क्लास को टॉयलेट की तरफ बढ़ता देख रोजर घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां भागे। तब रोजर टॉयलेट सीट हटाता है तो उसे टॉयलेट के नीचे की गंदगी नजर आती है। रोजर वहीं पड़ा एक पाइप का टुकड़ा अपने मुंह में रखता है और उस गंदगी में उतर जाता है। क्लास टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, तब उसे टॉयलेट में कोई नजर नहीं आता। क्लास टॉयलेट सीट हटाता है, तब उसे गंदगी में कोई नजर नहीं आता। उसे गंदगी में एक प्लास्टिक का पाइप दिखाई देता है जिसके जरिए रोजर सांस ले रहा था। क्लास अपने ट्रैकिंग डिवाइस को देखता है तो उसमें भी उसे रोजर की लोकेशन नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर क्लास वहां से चला जाता है और रोजर गंदगी से बाहर निकलता है। आगे रोजर वहां से भागने के लिए गैराज में जाता है अपनी कार के पास। रोजर अपनी कार को स्टार्ट करता है, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोजर कार के इंजन को देखता है तो क्लास ने कार के इंजन में गड़बड़ी कर दी थी। तब रोजर की नजर वहीं खड़े ट्रैक्टर पर पड़ती है और रोजर ट्रैक्टर को स्टार्ट करने लगता है, पर ट्रैक्टर की चाबी वहां पर नहीं थी। तब रोजर उस किसान के पास जाता है ट्रैक्टर की चाबी लेने, पर रोजर देखता है क्लास ने उस किसान को भी मार डाला था। रोजर उस किसान के पास से ट्रैक्टर की चाबी लेकर वहां से भागने लगता है। तभी रोजर देखता है कि कोई गाड़ी उसके ट्रैक्टर का पीछा कर रही है। ये देखकर रोजर ट्रैक्टर को तेजी से भगाने लगता है, पर वो ट्रैक्टर को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो ट्रैक्टर से कूद जाता है। कार से पीछा करने वाला आदमी क्लास नहीं था, वो कोई और आदमी था, और वो रोजर की ऐसी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है।
आगे रोजर को हॉस्पिटल में होश आता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस रोजर को गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। तब पुलिस को वॉकी टॉकी पर मैसेज मिलता है, एक आदमी का ट्रक किसी ने चुरा लिया है। तभी गाड़ी चलाने वाले पुलिस ऑफिसर को वो ट्रक नजर आता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी वहीं पर रोकता है और वो उनके सामने आने वाले ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। तब रोजर की नजर उस ट्रक पर पड़ती है। वो ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोजर समझ जाता है कि उस ट्रक को क्लास ही चला रहा था और रोजर को क्लास की वही बात याद आती है कि रोजर सबको बता रहा था कि हॉट कंपनी ने एक प्रकार की जेली बनाई थी जिसके 1 मिलीलीटर हिस्से में सैकड़ों ट्रांसमीटर होते हैं। वो ट्रांसमीटर किसी को दिखाई नहीं देते और उन्हें हटाना नामुमकिन है। उसकी मदद से आर्मी वालों को टेररिस्ट की लोकेशन पता चल जाती थी। रोजर को याद आता है जब गैराज में उसकी पत्नी उससे मिलने आई थी, तब वो रोजर के बालों में हाथ फेर रही थी जैसे वो उसे कुछ लगा रही हो। रोजर समझ जाता है उसके बालों में लगाए जेल के कारण ही क्लास को उसकी लोकेशन लगातार पता चल रही थी। ये याद कर रोजर पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से निकलने के लिए कहता है, पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानते। क्लास ट्रक को तेजी से पुलिस की गाड़ी की तरफ लाता है और तेजी से वो ट्रक को गाड़ी में ठोक देता है। पर रोजर अभी भी जिंदा था और वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। क्लास ट्रक से नीचे उतरकर पुलिस की गाड़ी के पास आता है। तब रोजर क्लास को देख लेता है और वो शांत होकर मरने की एक्टिंग करता है। रोजर को बुरी तरह से घायल देखकर क्लास को लगता है रोजर मारा गया और क्लास वहां से चला जाता है। आगे रोजर पुलिस की गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस की गाड़ी में रखे एक बैग में रोजर को रेजर और कैंची मिलती है। उसकी मदद से रोजर अपने सारे बाल काट देता है और बैग में ही पड़े चिप्स के रेपर में वो अपने सारे बाल भरकर वापस गाड़ी में रखे बैग में रख देता है। और रोजर पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है और रोजर लॉटी के घर पर जाता है उससे मदद मांगने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर ब्रेडे उस किसान के घर की छानबीन करने लगते है। तब पुलिस को वहां से चुराई हुई पेंटिंग मिल जाती है। लॉटी रोजर को इस हालत में देखकर रोजर से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रुक जाओ, मैं ब्लड साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तब रोजर लॉटी से कैंची मांगता है। तब रोजर लॉटी के किचन में जाकर वहां से कैंची लेने लगता है। तब वहां पर रोजर को हॉट कंपनी का पेन दिखाई देता है और उसे देखकर रोजर समझ जाता है कि लॉटी भी क्लास के साथ मिली हुई है। रोजर लॉटी के पास जाता है तो वो किसी को मैसेज कर रही थी कि रोजर अभी भी जिंदा है। रोजर पुलिस के पास से लाई हुई गन लॉटी पर अड़ाता है और उससे सब कुछ सच पूछता है। रोजर पूछता है, बताओ वो क्लास ग्रीव मुझसे क्या चाहता है? लॉटी बताती है, वो ये सब पाथफाइंडर जॉब के लिए कर रहा है। रोजर कहता है, कोई भी जॉब के लिए किसी को मारना नहीं चाहेगा। लॉटी कहती है, ये अरबों की बात है। रोजर पूछता है, वो कौन है जो ये सब करवा रहा है? लॉटी कहती है, वो क्लास है। वो अभी भी हॉट कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन हॉट कंपनी अभी प्रॉब्लम में चल रही है, पर एमटेक कंपनी ने उन्हें इस प्रॉब्लम से बचा लिया और एमटेक कंपनी ने हॉट कंपनी से डिमांड रखी कि वो उन्हें पाथफाइंडर कंपनी पर कब्जा जमा कर दे। और क्लास को ये असाइनमेंट दिया गया था, मुझे काम सौंपा गया था कि मैं तुम्हें क्लास से मिलवाऊं, पर तुमने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने तुम्हारी मीटिंग क्लास से करवाने के लिए नया तरीका खोजा। क्लास तुम्हारी वाइफ से मिला और उसने उसकी दादी की झूठी कहानी सुनाई कि उसकी दादी के पास एक पुरानी पेंटिंग थी। डायना तुम्हारी वाइफ ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया और फिर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्लास से मिलवाया और मैंने बस इन सब में उनके लिए एक ही काम किया। मैंने तुम्हारे बालों में वो ट्रांसमीटर्स लगाए। उन्होंने वो जेल मुझे तुम्हारे बालों में लगाने के लिए कहा था। ये सुनकर रोजर गुस्सा होता है और वो कहता है, तो ये सब तुमने किया था? क्या इन सब में तुम्हारे साथ डायना भी शामिल है? लॉटी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, पर वो हो सकती है। पर मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी, मेरी मदद करो। ऐसा कहकर लॉटी रोने लगती है। तब रोजर उठकर अपने लिए कॉफी बनाने लगता है। तभी लॉटी उठती है और रोजर के पीछे एक चाकू से वार करती है। लॉटी के हाथ में चाकू था तो वो रोजर को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी रोजर अपनी गन से लॉटी को शूट कर देता है और लॉटी मारी जाती है। आगे टीवी में न्यूज चलती है कि फार्मर मर्डर केस का सस्पेक्ट एक्सीडेंट में मारा गया और उसके साथ 3 पुलिस ऑफिसर भी मारे गए, पर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर का अभी भी कुछ पता नहीं चला। ये न्यूज क्लास भी देख रहा होता है और क्लास समझ जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर गायब है वो रोजर है। रोजर ही पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहन के वहां से भागा होगा, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उनमें से एक पुलिस ऑफिसर का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रात में डायना अपने घर पर आती है और तब उसे वहां पर रोजर मिलता है। डायना रोजर को देखकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, पर अब मेरे और क्लास के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ये बताने उस दिन गैराज में भी आई थी, पर मैं नहीं बता पाई।
और उसके बाद तुम गायब हो गए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं शर्मिंदा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, तो हमें बच्चा नहीं चाहिए। तुम उसे जो चाहते हो मैं वही करूंगी। ये सब सुनकर रोजर कहता है, जो भी कुछ हो रहा है तुम इन सबके बारे में कुछ नहीं जानती हो। डायना कहती है, किसके बारे में? तो दोस्तों यहाँ पर रोजर को शक था कि डायना भी क्लास के साथ मिली हुई है, क्योंकि उसने ही क्लास को रोजर से मिलवाया था। पर अब उसे यकीन हो गया था कि डायना क्लास के प्लान में शामिल नहीं थी। और रोजर डायना को अपने बारे में सब कुछ सच बताता है कि उसके पास इतना सारा पैसा पेंटिंग चुरा कर आता है। ये सब सुनकर डायना कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उन महंगी पेंटिंग को चुराते थे और मुझे फालतू के गिफ्ट दिया करते थे जिसकी मुझे कभी जरूरत भी नहीं थी। ये सुनकर रोजर कहता है, मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, और मैं बच्चा होने देने के लिए इसलिए मना करता था ताकि तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार ना करने लग जाओ। रोजर की ये बातें सुनकर डायना रोने लगती है और उसके पास जाकर उसे किस करने लगती है। अगले दिन सुबह रोजर एक बैग लेकर घर से निकल जाता है और उसके बाद डायना क्लास को मैसेज करती है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ क्लास पाथफाइंडर कंपनी में होता है और उससे एक आदमी आकर कहता है, मिस्टर रोजर किसी को बिना बताए लंबी छुट्टी पर निकल गए शायद, लेकिन वो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास छोड़कर गए हैं। बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और फिर आप पद के लिए चुने जाएंगे। दूसरी तरफ रोजर हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाकर रोजर वहां रखे चिप्स के पैकेट को उठा लेता है जिसमें उसने अपने बाल छुपाए थे, और वो बाल वो पुलिस वालों की डेड बॉडी के पास छोड़कर गया था। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर ब्रेडे आते हैं और वो रोजर को वहां से निकलते हुए देख लेते हैं, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ डायना क्लास के अपार्टमेंट में जाती है और पुलिस ऑफिसर ब्रेडे पोस्टमार्टम रूम में काम करने वाली लेडी से उस चिप्स के पैकेट के बारे में पूछते है जो एविडेंस के रूप में वहां पर आए थे, पर वहां काम करने वाली लेडी उन्हें इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाती। रोजर उस चिप्स के पैकेट में रखे बाल अपने साथ लेकर जाने लगता है और रोजर ओवे के घर पर पहुंचता है। वहां पर रोजर फ्रिज और सभी जगह से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर देता है और उस घर को साफ करके वहां पर इंतजार करने लगता है। और रोजर के पास ओवे की बॉडी अभी तक भी वहीं पड़ी थी और उसके हाथ में वही गन थी। तब वहां पर चिप्स के पैकेट में रखे बालों को ट्रैक करके क्लास पहुंचता है और ओवे की बॉडी को देखकर क्लास पूछता है, वो बॉडी किसकी है? तुम यहाँ पर एविडेंस मिटाने आए हो? और क्लास रोजर के कटे हुए बालों को देखकर कहता है, तो तुम्हें उस जेल के बारे में पता चल गया है जो लॉटी ने तुम्हारे बालों पर लगाया था। तू अपने साथ यहाँ पर अपने बाल लाए, तो तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊं, पर ऐसा क्यों? क्लास डायना के बारे में ही बात करता है कि डायना तुमसे प्यार नहीं करती है, वो कल ही मेरे पास आई थी। क्लास की इस बात को सुनकर रोजर थोड़ा हंसता है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? ऐसा कहकर क्लास रोजर को गोली मारता है, पर रोजर को कुछ नहीं होता और रोजर अपने पास से ओवे की गन उठाकर क्लास पर फायरिंग शुरू कर देता है और उसे मार देता है। और रोजर क्लास से कहता है, अब तुम्हें पता चला मैं हंस क्यों रहा था, क्योंकि डायना अभी भी मुझसे प्यार करती है। वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो तुम्हें चाहती है। उसने तुम्हारी पिस्टल में नकली कारतूस भर दिए थे क्योंकि वो चाहती थी तुम मरो, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। इन सारे घटनाक्रम को ओवे के ऑफिस वाले भी देख रहे थे, वो क्लास पर गोलियां चलते हुए देख पा रहे थे, पर कैमरा एंगल के कारण वो लोग रोजर को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ओवे ने ये कैमरा एंगल इस प्रकार से सेट किया था कि उसके ऑफिस के दोस्त नताशा को देख पाए, पर वो लोग ओवे को नहीं देख पाते थे क्योंकि वो बेड पर होता था। रोजर ओवे के पास वापस से वो गन छोड़कर पीछे की खिड़की से डायना के साथ वहां से भाग जाता है। मूवी के आखिरी सीन में रोजर हमसे कहता है, मैंने इन सब झमेले से बचने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। मैंने पिस्टल पर ओवे की उंगलियों के निशान लेकर उसके बेड के पास रख दिया, और यह वही पिस्टल थी जिससे मैंने लॉटी को मारा था। सबको लगेगा कि लॉटी क्लास ग्रीव की लवर थी और पेंटिंग की चोरी ओवे और क्लास ग्रीव किया करते थे। मैंने ओवे के घर के कैमरे को चालू कर दिया था ताकि ओवे के दोस्त अपनी आंखों से सब कुछ देख पाए, और सबने क्लास ग्रीव को मरते हुए देखा। पुलिस के हाथ वो पिस्टल भी लग गई थी जो क्लास ग्रीव अपने साथ लाया था। वो पिस्टल भी ओवे के फ्रिज से निकाली हुई थी जिससे मैंने ओवे को मारा था, और वो पिस्टल केविन से क्लास ग्रीव ने उठा ली थी। पुलिस ऑफिसर ब्रेडे को इस केस में कई सारी कमियां लगेगी, पर उनका तरीका रहा है वो हमेशा हर केस को सुलझाते हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी, इसलिए वो प्रेस वालों के सामने यही कहेंगे। आगे हम देखते हैं कि डायना प्रेग्नेंट होती है और रोजर लैंडर को ही पाथफाइंडर के अध्यक्ष का पद दिलाता है, जिसे शुरू में उसने रिजेक्ट किया था, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्लास चाहता था कि वो पाथफाइंडर का अध्यक्ष चुना जाए और ये असाइनमेंट उसे हॉट कंपनी ने सौंपा था, क्योंकि क्लास ग्रीव अंत तक भी हॉट कंपनी के लिए काम करता था।
हॉट कंपनी कई सारी मुश्किलों से गुजर रही थी, जिसे एमटेक कंपनी ने मुश्किलों से निकाला था। और एमटेक कंपनी ने हॉट कंपनी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो पाथफाइंडर कंपनी को टेक ओवर करने में उनकी मदद करे। इसलिए हॉट कंपनी ने यह असाइनमेंट क्लास ग्रीव को दिया था कि वो पाथफाइंडर का अध्यक्ष बन जाए और फिर वो पाथफाइंडर कंपनी को एमटेक कंपनी में मर्ज कर दे। इसलिए उसने पेंटिंग वाली कहानी भी झूठी रची थी, सिर्फ और सिर्फ रोजर से मिलने के लिए, ताकि वो उससे मिलकर उसे इम्प्रेस कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।